आचार्य पद पर आसीन होने के बाद 17 अप्रैल को आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की प्रथम आहारचर्या कुंडलपुर में संपन्न हुई। सूरत वाले राजा भाई के परिवार को नव आचार्य श्री को आहार दान करने का सौभाग्य मिला। पूरा प्रांगण गुरु भक्तों से सराबोर था। पड़गाहन के लिए खड़े भक्त ये चाह रहे थे कि नवाचार्य आएं और उनके आंगन में आहारचर्या करें। विधिवत ढंग से आहारचर्या का क्रम शुरू हुआ और आहार विधि लेकर नव आचार्य श्री समय सागर जी महाराज पड़गाहन स्थल पर आए। पड़गाहन विधि के मंत्रों से पूरा प्रांगण गूंज रहा था। तभी सूरत के राजा भाई के परिवार और मुंबई के किरीट दोषी जी के भाग्य खुले और विधि मिलने से उन्हें गुरुवर को आहार दान करने का अवसर प्राप्त हुआ। आहार दान कराने वाले दोनों परिवार नवाचार्य को आहार दान कर अति सौभाग्यशाली प्रतीत कर रहे थे। जैसे आचार्य जी हमारे दिल में आ गए हैं, बहुत अच्छा लगा हमें आचार्य जी का आहार देना का मिला, सौभाग्य मिला, इसलिए बहुत 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 बधाई हम खुद को बिता देते हैं। आज पहले दिन पूज्य आचार्य श्री का पड़गाहन करके आहार दान देने का लाभ मिला, हम सबके सौभाग्य है और सबको बधाई है। इसके लिए बहुत बहुत खुशी है हम सबको। आज क्या इससे पहले भी आपको समय सागर जी महाराज को आहार दान देने का सौभाग्य प्राप्त? बहुत बार दिया और आचार्य श्री को भी बहुत बार पड़गान करके बहुत बार आहार दिया है। आज प्रथम बार जो आचार्य श्री का पद उन्हें मिला है और प्रथम बार ही आपके घर पर जो गुरुवर पधारे हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या मन के भाव है? ये खुशी के शब्द नहीं है हमारे पास, बहुत बहुत अद्भुत लाभ हुआ है। और पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी का भी जब ये समाधि हुआ तभी उसके 10 दिन पहले भी प्रयाण करके हमको आहार दान देने का लाभ मिला था। दोनों ही परिवारों ने पूरे पारंपरिक ढंग से नवधा भक्ति पूर्वक नव आचार्य श्री की आहारचर्या को करवाया और पूजन करते हुए आहारचर्या को संपन्न किया। जैन फोकस के लिए कुंडलपुर मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।